बताइए क्या बात है? इस बच्ची का एडमिशन करवाना है। महीना भर हो गया स्कूल शुरू होके और तुम अब आ रही हो? कौन से स्टैंडर्ड में? सिक्स्थ। ढाई हजार किस बात के? सरकारी स्कूल की फीस तो 230 रुपए है। प्राइवेट स्कूल में जाएंगी ना आप तो पूरे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एक महीने बाद आई है तो ये अमाउंट ज्यादा नहीं है। इनकी एडमिशन करानी है तो ये रकम देनी पड़ेगी, नहीं तो जाइए यहाँ से। तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, तुम्हें टीचर किसने बनाया? ए, ए, क्या बात कर रही है तू? तू मेरी बेइज्जती कर रही है? बेइज्जती की तो गुस्सा आ गया ना, ढंग से बात करो वरना मुझे भी गुस्सा आता है। ओ, तो तुझे भी गुस्सा आता है? वाह वाह, इतना गुस्सा आता है तो इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दे। अगर कोई रिकमेंड करेगा भी ना तो मैं इसका एडमिशन रोक दूंगा। अब निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। प्रिंसिपल है। मैं गीता रानी, आज से स्कूल की नई प्रिंसिपल। 9 बजे से पहले स्कूल पहुंचना होगा। 9:05 को स्कूल गेट बंद हो जाएगा। दीवार फांदकर कोई नहीं आएगा। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना बहुत जरूरी है। बेल बजने के बाद अगर कोई भी टीचर क्लास में नहीं पहुंचा तो उसे मेरी तरफ से नोटिस मिल जाएगा। ममता जी मैडम, 3 नोटिस मिलने के बाद उसे सस्पेंड किया जाएगा। जो टीचर रजिस्टर में साइन करने के बाद क्लास में नहीं जाएंगे उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन होगी। सस्पेंशन मैं रिकमेंड करूंगी। लगता है अब तो काम करना पड़ेगा। ए बेटी, स्कूल स्कूल जैसा होना चाहिए, टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। अपनी क्लास में जाओ। मैडम, सभी टीचर्स को इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ बुलाऊं क्या? कितना टाइम जाएगा? 1 घंटा लगेगा मैडम। तो फिर उस दौरान क्लास में कौन रहेगा? जरूरत पड़ने पर मैं डिटेल्स मंगवा लूंगी। सबसे कहो अपनी क्लास में जाए। हाँ, ओके मैडम। ममता जी मैडम, ये क्लास में क्यों नहीं गए? मैडम अभी तक इनका शेड्यूल नहीं बना है। इनका शेड्यूल बनाकर इनके हाथ में थमा दो और इनसे कहो कि टाइम पे क्लास शुरू करें। ऑफिस में इस तरह बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। ये किस लिए है? आपकी परमिशन के बिना कोई अंदर ना आ सके इसीलिए। मंदिर के अंदर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, वहां कोई भी आ जा सकता है। हटा दो उसे। ओके मैडम। अरे बाप रे, यहाँ की हालत बहुत बुरी है, ये यहाँ कैसे बैठेगी? साफ करवा देता हूँ मैडम, अभी सफाई वाले को बुलाता हूँ। इनका एडमिशन कर दिया मैडम, प्लीज साइन कर दीजिए। इसे रोज स्कूल भेजना। ओके मैडम। जाओ बेटा। चल। क्या बात है? सॉरी मैडम, पता नहीं था आप प्रिंसिपल हैं। ये सब तो पढ़ने में बिजी हैं। मैं कुछ खा लेता हूँ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पता चला तो सारे छीन कर खा जाएंगे, भुक्खड़ गएंगे। ए, वाइस प्रिंसिपल सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। आइए ना सर, अंदर आइए। सर 6 महीने में पहली बार स्टाफ रूम में दर्शन देने आए हैं। अरे हटो ना, तुमको कहना पड़ेगा क्या? सर हमने बेंच की मरम्मत करवा दी है, पहले बहुत सारी कीले थी, अब आपको चुभेगी नहीं सर, किसी की आह नहीं निकली। ए, ये अपने आप को महारानी समझती है क्या? और हम सबको उसके खरीदे हुए गुलाम? पकड़ा गया।
अखरोट खा रहा हूँ सर। मुझे दूँ थोड़ी सी? ए। निकाल के दूँ? ए, मैं फालतू चीज नहीं खाता। तुझे क्या मजा आएगा फालतू आदमी? ममता को देखो, उसके हाँ में हाँ मिलाने लग गई। क्लास में जाओ, खड़े हो, अंदर जाओ। ये प्रिंसिपल है, क्लासरूम में जाओ। सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ क्योंकि टेंशन नहीं चाहिए। मेरे बाप को जानती है ना? इसे कहो कि कल अपने बाप को लेकर स्कूल आए। ठीक है मैडम। ए, सिगरेट ले और यहाँ से निकल। जा रहा हूँ ना। आइए मैडम, आप यहाँ की नई प्रिंसिपल हैं क्या? तुम स्कूल के 500 मीटर की दूरी के आसपास सिगरेट और गुटखा नहीं बेच सकते। जल्दी से इस दुकान को हटा दो। आप अपने बच्चों को समझाइए, मुझे पता है दुकान कहाँ खोलनी है। अरे मैडम, आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ठीक है मैडम, सिगरेट बीड़ी नहीं बेचूंगा, गांव चला जाऊंगा। ए सुना, क्या बात है? नहीं, टीचर ने दुकान वाले का हाथ मोड़ दिया और दूसरे हाथ से घुमा के घुसा दिया। फिर उसके बाद पैर से एक किक मारा तो दुकान वाला उड़ के दूर जाके गिरा। तूने देखा क्या? हाँ, मैंने देखा अपनी आंखों से। बाप रे, अब तो मुझे लड़कियों से बात करना बंद करना पड़ेगा। अच्छा किया इसने मुझे बता के। बहुत चालाक है ना? बिल्कुल सही। मैं अभी आ जाऊं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। रख रख अंदर से। बैठो ना। शेयर करो। नहीं दोगे? हमारा टीचर है मैम। दीदी, थोड़ा मेरा भी, थोड़ा सा। थोड़ा मेरा भी। ये फिश करी अच्छी है, कौन लाया? मेरी टिफिन से टीचर। अपनी माँ से कहना कि बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है टीचर। अपना अपना नाम बताओ। मैं शीतल हूँ। मैं दीपिका हूँ टीचर। मैं फराना हूँ मैम। मेरा नाम आशिका। और मैं चित्रा हूँ मैम। मैं गीता रानी। ठीक है टीचर। सिर्फ गीता कहो ना, दोस्तों को नाम से बुला सकते है ना। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी दोस्ती ज्यादा ना हो। गीता, खाना खाओ। अरे टीचर आ गई। अरे भाग, अरे भाग, अरे भाग, नहीं तो बहुत मारेगी। अरे संभल के। क्यों भाग रहे थे? अब उठो आराम से। अरे ये बुरी नहीं, अच्छी है और सुंदर भी है। मुझे देखकर भागी क्यों? मैं क्या तुम्हें चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? अगर कुछ गलत नहीं किया तो कभी भी किसी से मत डरना, समझ गए ना? कौन से क्लास में हो? सेकंड क्लास। नाम क्या है? श्याम। श्याम। जाओ। मुझे तुम्हारे इस प्यार की, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की परी हो। सिर्फ दिन और तारीख बदलते हैं। पेपर की न्यूज़ देखकर लगता है पिछले दिन की ही ज़ेरॉक्स कॉपी है। कॉफी मांगने के बाद कहाँ गायब हो गए थे? मैं बाहर गया था केबल और न्यूज़पेपर वाले का नंबर लेने के लिए। तुम बताओ आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा रहा। लेकिन मैंने कुछ और ही सुना है। लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत क्राइम होता है, हर महीने कम से कम एक मर्डर तो होता ही है। लोग कहते हैं कि पुलिस भी यहाँ की कुछ कर नहीं पाती।
अगर टीचर थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो पुलिस की मेहनत कम हो सकती है। सही कहा तुमने, बात करने में तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। कॉफी टेबल पर है। मैं पी लूंगा बेटा। बच्ची का एडमिशन हो गया ना, तो फिर आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत है? मैंने वहाँ नई नौकरी ज्वाइन की है। क्या कहा, ऐसे स्कूल में नौकरी? कैसी नौकरी? ओहो अच्छा, आप वहाँ पे क्लर्क हैं क्या? चलो तब तो ठीक है, मुझे लगा आपने वहाँ पे टीचर की नौकरी तो नहीं ज्वाइन कर ली। एक खास बात बताऊँ मैडम, इस देश के पिछड़े रहने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ के टीचर। वो अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाते हैं कि घूस लेना एक क्राइम है। आपको क्या लगता है मैडम, ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आते हैं? ये टीचर खाली स्कूल में अपनी तनख्वाह और घूस लेने के लिए आते हैं मैडम। अगर सरकार उनकी सैलरी आधी कर दे तो बहुत सारे टीचर भाग जाएंगे। वैसे भी ये टीचर लोग कौन सा स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं? क्या सोच रही है मैडम? मैडम अगर आप चाहें तो मैं रोज आपको ड्रॉप और पिकअप कर सकता हूँ। ये लो अपने पैसे। जी जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। आप सुशीला टीचर है ना? हाँ मैडम, आप मुझे जानती हैं? मैंने आपके बारे में काफी सुना है। आपसे कहा गया था कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप ट्रांसफर लेंगी, लेकिन आपने मना कर दिया। 33 सालों से स्कूल में पढ़ा रही हैं। आशीर्वाद दीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ठीक है बेटा। All of you, good morning. सुबह की प्रार्थना का नया फॉर्मेट है। जैसे ही घंटी बजेगी 5 मिनट के अंदर सभी लोग ग्राउंड में जमा हो जाएंगे। एक गाना बजाया जाएगा और उस गाने पर आप सबको डांस करना होगा। अगर टीचर्स चाहें तो वो भी डांस कर सकते हैं। इसे कहते हैं वार्म अप सॉन्ग। प्ले।